The government release all prisoners, release the curfew. नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास कार्यक्रम संसद में। आज आगे हम आपको दिखाएंगे कि किस वजह से टीएमसी के 6 सांसदों को राज्यसभा से दिन भर के लिए निलंबित किया गया, और जब राज्यसभा टीवी के कैमरों ने विरोध कर रहे सांसदों को दिखाना बंद कर दिया तो उन्होंने क्या किया। लेकिन सबसे पहले ये वीडियो देखिए। बिल कराया पास कर उसी पहले कौन लोग ये नकली है, ये बिल पास करवाया इन्होंने कैबिनेट में, कराया कि नहीं कराया, तुसी कैबिनेट सी या नहीं होगा, मंत्री सी, झूठ बोल रहे कहने मैं मंत्री नहीं सी, तुसी कैबिनेट के मंत्री सी, झूठ बोल रहे हो, रे ड्रामा कर रहे हो, इस्तीफा पहला दिता, इस्तीफा बाद दिता पहला, ये बिल पर कैबिनेट मंत्री सी उदो ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। आज सुबह केंद्रीय कृषि कानूनों के मुद्दे पर शिरोमणि अकाली दल के नेता हरसिमरत कौर बादल और कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के बीच संसद परिसर के भीतर ही तीखी नोकझोंक हुई। हर रोज की तरह हरसिमरत कौर बादल संसद के गेट नंबर 4 के बाहर गेहूं की बालियों के साथ प्रदर्शन कर रही थीं, तभी वहां कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू पहुंच गए। इसके बाद जो हुआ वो आपने स्क्रीन पर देखा। कांग्रेस सांसद ने हरसिमरत कौर पर संसद में कृषि कानून पास करवाने के बाद प्रदर्शन करने का आरोप लगाया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल है। दिन के वीडियो के बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश की संसद में आज हुए काम धाम के बारे में। सच कहें तो इसे एक लाइन में बताया जा सकता है, माने आज लोकसभा और राज्यसभा में कुछ खास नहीं हुआ। फिर भी जो हुआ, जो खानापूर्ति हुई वो सुन लीजिए। पहले बात राज्यसभा की। हर रोज की तरह आज भी राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। सभापति वेंकैया नायडू आसन पर बैठे। प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी और तृणमूल कांग्रेस नेता जवाहर सरकार को राज्यसभा की सदस्यता की शपथ दिलाई गई। उन्होंने बंगला भाषा में शपथ ली और सदस्यों ने मेजे थपथपाकर उनका स्वागत किया। इसी दौरान सभापति ने बताया कि कुछ मेंबर्स की तरफ से नियम 267 के तहत किसानों के प्रदर्शन पर चर्चा के लिए नोटिस दिया गया, लेकिन इस पर किसी और प्रावधान के तहत चर्चा हो सकती है। आज नॉर्मल कामकाज होगा, ये हम नहीं कह रहे हैं, राज्यसभा में सभापति ने कहा था। बस इसी के बाद विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। नारेबाजी करते हुए सांसद वेल में आ गए। सभापति बुरी तरह से नाराज हुए और उन्होंने वेल में आकर प्ले कार्ड्स लहराने वाले टीएमसी के 6 सांसदों डोला सेन, नदीमुल हक, अबीर रंजन विश्वास, शांता क्षेत्री, अर्पित घोष और मौसम नूर को दिनभर के लिए राज्यसभा की कार्यवाही से निलंबित कर दिया। इसी के साथ राज्यसभा की कार्यवाही भी दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। देखिए क्या हुआ। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आई ऑल्सो रिसीव्ड नोटिसेस अंडर 267 1 अबाउट फार्मर्स एजिटेशन बाय रामगोपाल जी, विश्वंबर प्रसाद जी एंड डॉक्टर वी शिवदासन। टुडे जस्ट कमिंग टू दैट ना, Today, you have given it yesterday, and then I have gone through it. It's an ongoing issue, but important. So that is being admitted for discussion under the other provision, farmers' agitation. You cannot ask like this. I am trying to dispose of one after another. If you want all this to be disposed of, all these notices, Shivadasan, Sukhen Sekhar Rai, Manikajan Kharge, K.C. Venugopal, Yelamaram, Karim, Binay Viswam, they are not admitted. Now there is an agreement about farmer's agitation and also about price rise, economic situation. The government also has expressed willingness to discuss. Let us discuss farmer's issue. Let us discuss economic situation, price rise and other issues. This is not the way. Please go back to your seats. All these members who are in the well of the house with the prayer cards, all of them are named under rule 255. I direct these members who are in the well of the house to go back to their seats, otherwise you are named and you are suspended for the day.
This is the decision of the chair. Please go. Please go to the chair and go back. And the names here. This is not going on record. Whoever is in the world, disobeying the chair and then raising these spray cards, they are all asked to leave the house under Rule 255. You know, if you disobey this, what will happen, you know, I need not tell. And the secretary will give the list. The house is adjourned to meet at to meet at 2 p.m. 2 p.m. अब लोकसभा की बात कर लेते हैं। सभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि दी गई और इसके बाद ही विपक्षी सांसदों की नारेबाजी शुरू हो गई। राज्यसभा की तर्ज पर ही यहां पर भी नारेबाजी करते हुए विपक्षी सांसद वेल में पहुंच गए। वो प्ले कार्ड और पोस्टर लहरा रहे थे, जिसे अध्यक्ष ने आसन का अपमान बताते हुए सभा की कार्यवाही को 11:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। 11:30 बजे कार्यवाही शुरू हुई और चंद मिनटों में ही 12 बजे तक के लिए कामकाज बंद हो गया। 12 बजे माननीय सदस्य एक बार फिर बैठे और थोड़ी ही देर में दोपहर 2 बजे तक के लिए छुट्टी हो गई। लेकिन 11 बजे से 12 बजे के बीच लोकसभा में क्या हुआ, ये देख लीजिए। प्रेजेंट कोई रेल कनेक्टिविटी का मैं बताना चाहूंगा सर आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कि केंद्रापड़ा रोड जो स्टेशन बता रहे हैं ये कटक से 5 किलोमीटर दूरी में है, लेकिन वो केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं आता है। केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट एक स्वतंत्र डिस्ट्रिक्ट है जहां पर आज तक पैसेंजर ट्रेन नहीं चली है। वो कटक से 5 किलोमीटर दूरी में है। लोगों के लिए सुविधा बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यकता है लोगों के लिए पैसेंजर ट्रेन। आपसे मेरी विनती है हमारे लोगों के हक के लिए, वहाँ पे रेवेन्यू जनरेशन के लिए, वहाँ के युवाओं के एम्प्लॉयमेंट के लिए और केंद्रापड़ा के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक पैसेंजर ट्रेन जल्द से जल्द शुरू करें। मेरी आपसे विनती है, मेरे पार्टी की तरफ से, बीजू जनता दल के तरफ से एवं केंद्रापड़ा वासियों की तरफ से। धन्यवाद सर। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है मैं जरूर इसकी जानकारी दूंगा और उनके हित में जितनी जो जानकारी मैं आपसे शेयर करूंगा। माननीय सदन की गरिमा को बनाए रखें, तरीका ठीक नहीं है ये, गलत तरीका, बिल्कुल गलत। आप संसद की मर्यादा और आसन का अपमान करने की कोशिश मत करिए, ये उचित नहीं है, गलत तरीका। सदन की कार्यवाही 11:30 बजे तक स्थगित की जाती है। पहले ही संसद की, लोकसभा की मर्यादा भंग हो रही है, उसकी कुछ सीमा भी होती है। नहीं नहीं नहीं, चेयर के आगे प्लेकर्ड लाना बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। आप प्लेकर्ड लहरा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, वेल में आ रहे हैं। आपका सुनिए सुनिए, आप माननीय सदस्य सब जानते हैं सब नियमों को, नहीं गलत बात है। आप ऐसा कुछ मत कीजिए कि चेयर को कार्रवाई करनी पड़े। प्लीज पुट इट डाउन, प्लीज पुट इट डाउन। नो नो नो, इट्स नॉट फेयर। देखिए सभी माननीय सदस्य, आप देखिए यदि 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 जो है, सुनिए सुनिए, यदि सभापति या अध्यक्ष जी चेयर पर खड़े हुए हैं तो आप कृपा करके जरा सा थोड़ा हटिए, पीछे को दिया जरा, प्लीज प्लीज प्लीज, ये ठीक नहीं है। आप ऐसा मर्यादा के उल्लंघन की सीमा को मत स्पर्श कीजिए, ये उचित नहीं है। प्लीज गो टू योर, आप सीट पर वापस जाइए, अपने स्थान पर बैठिए, अभी प्रश्नोत्तर चलने दीजिए, प्लीज इसको नीचे कीजिए। नो 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 नो, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, प्लीज बैठ जाइए। दोपहर 2 बजे लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर हंगामे के बीच शुरू हुई। जैसा कि आशंका थी, लोकसभा की कार्यवाही 10 मिनट के भीतर ही शाम 3:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इन्हीं 10 मिनटों में जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की तरफ से द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज बिल 2021 पेश किया गया, जो आसानी से पारित हो गया। लेकिन असली खेल तो राज्यसभा में हुआ। सभा की कार्यवाही शुरू हुई, लगभग पूरा विपक्ष वेल में आकर नारेबाजी करने लगा। इतना ही नहीं, विरोध कर रहे विपक्षी सांसदों ने डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी
कॉरपोरेशन अमेंडमेंट बिल 2021 पर बोल रहे सांसदों के पीछे जाकर प्ले कार्ड्स लहराना शुरू कर दिया, ताकि जब राज्यसभा टीवी के कैमरे सब्जेक्ट पर बोल रहे सदस्य को दिखाएं तो उनका पोस्टर भी दिख जाए। नारेबाजी कर रहे सांसदों ने उन माइक पर जाकर नारेबाजी शुरू कर दी जो तब ऑन थे। मामला यही नहीं रुका, उपसभापति ने जब विपक्षी सांसदों को बिल पर बोलने के लिए मौका दिया तो किसानों के प्रदर्शन के बारे में बोलने लगे, माने चेयर को चकमा देते हुए बोलने लगे। देखिए क्या हुआ। सदस्यगण, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपने अपने सीट पर वापस जाएं। जो सदस्य बोल रहे हैं उनके पीछे जाकर आप रूल 38 का वायलेशन कर रहे हैं। कृपया रूल 238 का वायलेशन मत करें। माननीय शमशेर सिंह ढूलो, आप पीछे जाकर के ठेका देकर खड़े हैं, कृपया ऐसा ना करें। आप रूल 238 का वायलेशन कर रहे हैं। Sir, this government has finished off the companies. Now they are going to finish off the LLPs. And now they are going to finish off the country and the democracy. Please, no, you are not speaking on the subject. ये बहुत ही गंभीर विषय है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, काश कि हम खुल करके इस बिल में कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हम माननीय वित्त मंत्री साहिबा से बात कर सकते थे, लेकिन सर 500 किसान मर चुके हैं। डिपोजिटरी इंश्योरेंस क्रेडिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन अमेंडमेंट बिल 2021, मैं इस बिल के विषय में कहना चाहता हूँ, अगर आप सोच समझ के बिल लाए तो अमेंडमेंट करने की जरूरत ना पड़े। किसानों के काले कानून लेके आया नहीं चाहते। ये सब इतना ज्यादा हुआ कि उपसभापति ने कार्यवाही को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। 15 मिनट बाद कार्यवाही शुरू हुई और हंगामे के बीच डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन अमेंडमेंट बिल 2021 को राज्यसभा से पास कर दिया गया। इसके अलावा नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया संशोधन विधेयक 2021 सदन में पेश किया, ये भी पास हो गया। बिल के पास होते ही राज्यसभा की कार्यवाही को अगले दिन 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं 3:30 बजे लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर शुरू हुई। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कॉर्पोरेट डेवलपमेंट बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2021 पेश किया। 7 मिनट के भीतर ये बिल भी पास हो गया और इन्हीं 7 मिनटों में सभा की कार्यवाही को अगले दिन सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अब बुलेटिन में वक्त आ गया है हमारे आखिरी सेगमेंट का, जिसका नाम है इनसाइड व्यू। आज हमने इंडिया टुडे ग्रुप के नेशनल अफेयर्स एडिटर राहुल श्रीवास्तव से पूछा कि आज सुबह सभापति वेंकैया नायडू ने नियम 267 के तहत किसानों के मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं होने दी। इस नियम के तहत चर्चा होती तो क्या फर्क पड़ता, सुनिए राहुल का जवाब। देखिए, जहां तक फैसला चेयर का है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, वो अवमानना होगी। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि जो रूल 267 है राज्यसभा रूल्स एंड प्रोसीजर का, वो लोकसभा में एक रूल होता है एडजर्नमेंट मोशन का, यानी आप उस मोशन को मूव करके चेयर से अपील करते हैं, जो भी अध्यक्ष हैं सदन के, कि उस दिन की जितनी चीजें लिस्टेड हैं, बिजनेस तय है, तयशुदा है, और उसको मुलतवी करके इस किसी एक मुद्दे पे बहस कराई जाए या बातचीत हो सदन के अंदर। जैसे एडजर्नमेंट मोशन लोकसभा में है, वैसा ही ये मोशन एक तरह से रूल के तहत राज्यसभा में होता है। अब क्या होता यह है अमूमन कि जब आज के दिन की पूरी बिजनेस तय होता है, ये तय होता है कि एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है जिसमें सारे सदन के सभी दलों के नेता होते हैं, सरकार के नुमाइंदे होते हैं और अध्यक्ष होते हैं। उस बैठक में ये तय किया जाता है कि आने वाले दिन में क्या क्या बिजनेस लिया जाएगा। अब जब बीएसई की ये बैठक जब हुई थी, उसके अंदर तयशुदा बिजनेस जो था वो आज का लिस्ट कर दिया गया था। 267 के तहत विपक्ष की मांग थी कि आज जितना बिजनेस सरकार की तरफ से और सहमति के बाद जो लाया गया है उसको मुलतवी किया जाए, उसको हटाया जाए और उसकी जगह जिस मुद्दे पे विपक्ष चाहता है उस मुद्दे पे सदन में बहस हो। अब वेंकैया नायडू जो कि चेयरपर्सन है, वो इस चीज के खिलाफ रहे हैं कि किसी मुद्दे पे के कारण जो तयशुदा बिजनेस है, देखिए जो सदन में रोज की कार्यवाही होती है उसमें 2-3 बहुत अहम चीजें होती हैं। सरकार के बिलों को ही जनता तवज्जो दे ये जरूरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सदन के अंदर जो
एक जीरो आवर होता है जिसके अंदर सदस्य आके अपनी रो स्पेशल मेंशन होता है, सदस्य आके अपने इलाके की जो सबसे गहन उसी समय की इमीडिएट चिंताएं जो होती हैं उसको रखते हैं, यानी कि मेरे इलाके में बाढ़ आई, यहाँ पे बारिश का प्रकोप हुआ, बिजली गिरने से लोगों की मृत्यु हुई, इस तरह की जो अकस्मात आज की जो खबरें चीजें हैं उनको उठाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, अगला होता है क्वेश्चन आवर, जो कि आम जनता से जुड़े सवालों किए को के बारे में होता है। सांसद अपने सवाल रखते हैं और याद रखिए कि जब सवाल का जवाब कोई मंत्री देता है तो पूरा मंत्रालय उस पर काम करता है, तमाम तैयारियां होती हैं, यानी सवाल जवाब जो है वो एक बहुत पार्लियामेंट का बहुत अहम हिस्सा है। अब विपक्ष की मांग ये थी आज कि 267 के तहत ये सब चीजें हटा दी जाएं और जो वो जिस विषय पे चाहते हैं उस विषय पे बहस हो। चेयर कोई भी फैसला सरकार की और विपक्ष की सहमति से ही अमूमन हुआ करता है और चेयर जो है, चेयरमैन जो है राज्यसभा के, वो काफी 5 सालों से इस चीज के विरोध में रहे हैं कि किसी ऐसे नए मुद्दे पे बहस करने के लिए सारे जो फिक्स्ड एजेंडे हैं वो हटा दिए जाएं। अभी तक इतिहास में पिछले 5 सालों में, 5 साल पहले की अगर मैं बात बताऊं तो नवंबर में 2016 में डिमोनेटाइजेशन के मुद्दे पे, कश्मीर की हालात पे अगस्त 2016 में, और एग्रेरियन क्राइसिस यानी कृषि को जो मुश्किलात हो रही थी उस पे बातचीत पे अगस्त 2015 में, 3 बार ये ऐसा हुआ है 5 साल पहले करीब कि 267 के तहत हटाया गया है बिजनेस को लेकर के और बहस हुई है इन मुद्दों पे। वेंकैया नायडू का साफ कहना था कि अगर विपक्ष और सरकार आपस में तय कर लें कि किस मुद्दे पे कब बहस होनी है वो ज्यादा बेहतर होगा, 267 के लिए बिजनेस को नहीं हटाया जाएगा। यहां हो ये रहा है कि देखिए 267 का जो रूल है जो आज विपक्ष ने जिसके पे हंगामा किया, ये हर रोज करीब 10 से 12 रिक्वेस्ट आती हैं सांसदों की, इस रूल के तहत सारा बिजनेस मुलतवी कर दिया जाए, तो ये कोई नई बात नहीं है कि इसके तहत रिक्वेस्ट आती है और इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन आज विपक्ष ने तय किया कि वो इस बात पे भी विरोध करेगा कि उनका जो 267 के तहत मोशन है उसको रिजेक्ट किया जा रहा है। कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहूंगा कि पार्लियामेंट की इस सदन की, इस सेशन की जो स्थिति रही है, एक तरफ विपक्ष पेगासस के मामले पे, उसका हक बनता है, वो चाहता है कि पेगासस स्नूपगेट के मामले पे बहस हो, सरकार सबसे पहले उस पे बहस कराए और उसकी शर्तों पे, उसके समय पे जब वो चाहता है तब बहस कराए। सरकार की हठधर्मी ये है, सरकार कहती है कि मंत्री जी जो अश्विनी वैष्णव है उन्होंने जवाब दे दिया है, हम इसके आगे बहस नहीं करना चाहते। देखिए विपक्ष की मंशा है कि वो किसी ना किसी तरह से इस विषय पे बहस करके सरकार को घेरे और एक सेंस ऑफ द हाउस, सेंस ऑफ द हाउस यानी एक तरह का बहुमत सदन में दिखाए कि सरकार के खिलाफ बहुमत पार्टियां और सदस्य इस समय सरकार के खिलाफ है। इस मुद्दे पे सरकार इस चीज से कतरा रही है कि अगर इस मुद्दे पे हुआ तो तमाम ऐसी भी पार्टियां जो कि कांग्रेस या विपक्ष के साथ नहीं है वो भी जुड़ जाएंगी और उसकी किरकिरी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर भेंट होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए, शुभ रात्रि।